अक्सर हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं और सोचते हैं कि हमें उसका नतीजा जल्द क्यों नहीं मिल रहा। दरअसल बात यह होती है कि किसी भी चीज का नतीजा आने में समय लगता है। ये वैसा है जैसे कि हम कोई बीज बोते हैं और फिर कुछ समय बाद ही पेड़ उगता है। वो हमारी मर्जी से जल्दी नहीं उगता, बल्कि अपना पूरा समय लेके धीरे धीरे उगता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी आज बोए गए विचार धीरे धीरे अपना फल देते हैं। सिर्फ अगर हमने आज सकारात्मक विचार रख लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आज से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आने के लिए जरूरी है कि हम निरंतर हर दिन इसी तरह की विचारधारा रखें। इस पर अटल रहना मुश्किल तो जरूर होता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इसके लिए जरूरत है तो रोज ध्यान करने की और संकल्प करने की। संकल्प ऐसा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा उस नकारात्मक सोच की तरफ नहीं जाऊंगा। तो चलिए बैठते हैं ध्यान में, क्योंकि ध्यान करते ही अपने आप ही आपके अंदर दृढ़ निश्चय होने की काबिलियत आ जाएगी। आप सक्षम हो जाएंगे कि आप किसी भी वचन को पूरा कर सके। तो बैठते हैं एक आरामदायक स्थिति में। आंखें बंद कर लीजिए, कमर को सीधी रखिए, अपने अंगूठे और पहली उंगली को आपस में जोड़ लें और उसे आप अपने घुटनों पर रख सकते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए और अब सांस को धीरे धीरे मुंह से छोड़ते हुए शरीर को ढीला होने दीजिए, बिल्कुल ढीला। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए और सांस मुंह से छोड़ते हुए अपने पैरों को, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, रोकिए इसे और अब मुंह से सांस छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़ दें, माथे को ढीला छोड़ दें। देखिए कि किस तरह से आपका शरीर आरामदायक स्थिति में जाते जा रहा है। ध्यान अपनी सांस पे रखें कि सांस कितनी सरलता से अंदर और बाहर जा रही है। अपने आप से पूछिए, क्या मेरी सांस गहरी है? शरीर के किस हिस्से तक जा रही है मेरी ये सांस? और अगर शरीर में किसी भी तरह की रुकावट कहीं पे भी महसूस हो, कंधों में, कमर में, तो एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरिए और उसे रोक लीजिए और उस हिस्से पर केंद्रित कीजिए जहां आपको रुकावट महसूस हो। और सांस मुंह से छोड़ते हुए कल्पना कीजिए कि उस हिस्से से सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी भारी ऊर्जा आसानी से बाहर जाती जा रही है और आपके शरीर को किसी भी तरह के तनाव से मुक्त करे जा रही है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुका है। आसपास चल रही हवा आपको आसानी से महसूस हो रही है, पर आप पूरी तरह से स्थिर हैं। धरती घूम रही है, मगर आप पूरी तरह से स्थिर हैं। किसी भी तरह की आवाज़ से आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ से जुड़े हैं। कभी भी आप अपने आप को इस शांत स्थिति में लाना चाहें तो यूं ही लंबी गहरी सांस लेकर रोक कर आप अपने आप को धीरे धीरे इस शांत स्थिति में आसानी से पहुंचा सकते हैं। अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए कि उसकी गति नियंत्रित हो गई है।
किस तरह से आपकी छाती ऊपर और नीचे हो रही है हर सांस के साथ। चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान बने रहने दीजिए। प्रसन्नता के भाव को महसूस कीजिए। प्रसन्नता का आपके लिए क्या अर्थ है? पिछली बार कब आप दिल से खुश हुए थे, उस खुशी को अपने शरीर में महसूस कीजिए। किस तरह से उस खुशी का भाव आता है और शरीर में किस जगह वो महसूस होता है, उस प्रसन्नता को, उस खुशी को वहाँ महसूस कीजिए, उस आनंद को महसूस कीजिए। कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसी स्थिति जिसने आपको आनंदित कर दिया हो, खुशी से भर दिया हो, उसको याद कीजिए और देखिए कि उससे आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, आपके शरीर में किस तरह वो भावना महसूस होती है। और अब उसे जागृत करते हुए इस पूरे भाव को याद कर लीजिए, अपने शरीर में भर लीजिए। अपने दिन में आज से हर वक्त इस भाव को आपको सक्रिय रखना है, जगाकर रखना है। दिन में आप कोई भी गतिविधि करें, दिन में आप कोई भी काम करें, हमेशा इस भाव को याद रखना है जैसे कि ये अभी अभी हुआ हो। लंबी गहरी सांस लीजिए और इस भाव को पूरे शरीर में बहने दीजिए, अच्छे से बहने दीजिए, जैसे इस आनंद की घड़ी को आपने अभी अभी महसूस किया हो और जैसे वो सारी चीज़ें सच हो गई हों जो इस समय आपने महसूस की थी। इस भाव को याद रखते हुए आज पूरे दिन हर स्थिति में धन्यवाद कहने का अवसर ढूंढना है। पानी पीने पर भी धन्यवाद कहें कि किस तरह से जल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। अपने भोजन को, चाहे वो कैसा भी हो, शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उससे मिल रही शक्ति से ही आप हर दिन को देख पाते हैं। अपनी सेहत को धन्यवाद कीजिए और वापस उसी आनंदमय स्थिति को फिर से जगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थिति में रहने से आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपका भविष्य ज़रूर खूबसूरत होगा। अगर हम भविष्य की ना भी सोचें तो आपका आज तो ज़रूर ही खूबसूरत होगा। इस भाव को जानते हुए, अपने शरीर में समाते हुए, एक मंद सी मुस्कान चेहरे पर लाइए, एक लंबी गहरी सांस भरिए और अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसे अब आंखों पर रखिए और अब आंखों को खोलिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका। आशा है कि आज का दिन आनंदमय हो।